अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है, तो आप ये मेरा दूसरा व्लॉग एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे बाद में। ये है मटर पुलाव के लिए सब जो सामान डलेगा वो है, ये दो काले लिए छोटे छोटे, थोड़ा सा जीरा है आधा चम्मच, और दो स्टिक प्लस दालचीनी की लकड़ी है। बस ऐसे सिंपल पुलाव के लिए है ये। मेरा ब्राउन प्याज देखो ब्राउन हो गया, इतना ब्राउन होना चाहिए। अब मैं डालूँगी इसमें मटर, एक मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी इसके साथ में। तो ये मैंने चावल डाल दिया है, अब ये मिक्स कर देती हूँ। पानी डाल दूँगी चार मिनट। ये है मटर पुलाव, मैंने इसको खोला है। अब मैं इसको दो मिनट के बाद मैं इसको चलाने जा रही हूँ, तो अभी मैं इसको चला के आपको दिखाती हूँ। अभी मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि यम्मी यम्मी हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया। ये है हमारा यम्मी सा मटर पुलाव, सिंपल सा। इसको आप दही के साथ या रायते के साथ खा सकते हैं। अभी मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं, अब मैं थोड़ा और काम करूँगी, मतलब थोड़े एक दो बर्तन निकले उसको साफ करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ जम्बो क्लास होता है वो, तो उसके लिए जा रही हूँ। उसका टाइमिंग है 4 से 5 बजे तक, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो जाऊँ, बाल बांध लूँ, फिर मिलती हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया, लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। 2 से या 3 कप चाय बनाऊँगी, तो बस चाय बना के पीते हैं, एंजॉय करती हूँ। तो अच्छा है, मेरी चाय बन रही है मस्त कड़क वाली। तो अभी ये 5 मिनट में इसको अच्छे से उबालूँगी, इसके बाद भी अच्छा एंजॉय करूँगी। आप भी आ जाइए शाम की चाय के साथ साथ। अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, बाय।